तो हेलो मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन ने बैच अपना जो सफर 1.0 शुरू किया था और एग्रोनॉमी की अपनी क्लासेस हो रही है, फर्स्ट क्लास हो चुकी है। पर मैंने भी फर्स्ट क्लास देखा, मुझे लगा थोड़ा ज्यादा लंबा उसको ले गए अपन 1 घंटा, पर ठीक है, थ्योरी पेपर है तो 1 घंटे की होना अपनी बनती भी है। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या क्या क्लियर कर लिया था, मतलब क्या क्या पढ़ चुके हैं और वहां से क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, ये फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी क्लासेस चल रही थी। आज अपनी सेकंड क्लास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज अपन पढ़ेंगे सीड के बारे में। किसके बारे में बेटा? सीड के बारे में। फर्स्ट क्लास में हमने नॉर्मली एंट्रो देखा था, और एंट्रो में अपन ने क्या क्या देखा है, एग्रोनॉमी की, एग्रोनॉमी क्या होती है और एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है, दो चीज तो हमने ये देखी। दूसरा हमने देखा एग्रोनॉमी की मीनिंग, एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, होनेस्टली फंडामेंटल क्यों आया है, मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखी, स्कोप देखा और इंपोर्टेंस उसका देखा। फिर हमने देखा कि उसका डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, एग्रोनॉमी विद अदर डिसिप्लिन, अदर जो ब्रांच है उनके साथ क्या संबंध है, वो चीज हमने देख ली थी। कंप्लीट हमने ये देखा कि एग्रोनॉमी क्या है, इसके महत्व क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, और अदर जो साइंस की ब्रांच है उनसे क्या इंपोर्टेंस है, ये सारा क्लियर कर लिया था। आज अपनी सेकेंड क्लास है बेटा, सेकेंड क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, सीड एंड सोविंग, दूसरा आपका टॉपिक है बीज और बुआई, बीज और बुआई, ठीक है, बीज और बुआई, हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या इसमें डेफिनेशंस दी हुई है, डेफिनेशंस ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड क्लासिफिकेशन, अच्छा ये यहां से, ऑफ क्रॉप्स, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स, तो ये मैंने पहले ही ऑलरेडी करा दिया। वेराइटी एंड सीड, सीड की परिभाषा देखनी है, फैक्टर अफेक्टिंग टू क्रॉप स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशमेंट, गुड सीड क्वालिटी, अच्छे बीज के क्या क्या गुण होते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं, सीड प्रॉपर टिलेज टाइम, शोविंग सीड रेट, डेप्थ एंड मेथड ऑफ शोविंग, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग, ट्रांसप्लांटिंग, ईटीसी, ये सब क्या है, बुआई की विधियां है, ठीक है, एक नया बीज लगाने की विधियां है। फिर उसके बाद में टिलेज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आज अपन सेकंड क्लास में बीज के बारे में सारी चीज देखने वाले हैं कि बीज क्या होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर के हिसाब से बीज की डेफिनेशन क्या है और बायोलॉजी के हिसाब से क्या डेफिनेशन है, एक अच्छे बीज के गुण क्या क्या होते हैं, बीज के टेस्ट कौन कौन से करते हैं, सीड डोरमेंसी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे तोड़ी जाती है। और यहाँ से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आपके आते हैं बेटा, एक तो बड़ा क्वेश्चन आता है, 2 छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक 5 नंबर में, एक बड़ा 17 नंबर, जो 20 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है, और न्यू टाइप में तो आते आते हैं। तो अपन ये तो हो गया अपना टॉपिक सेकंड, अब शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, अपन एग्रीकल्चर अगर अपन कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर अपन कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में जो बीज है आपका, इसके बिना आप कर सकते हो क्या कृषि? भाई नॉर्मल फर्स्ट क्लास में इंट्रो मैंने बता दिया कि ये स्कोप है, ये महत्व है, इसका ये मीनिंग है, ये डेफिनेशन है। उसके बाद में सबसे पहले खेती करने के लिए क्या चाहिए अपने को, जो नेसेसरी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है बेटा, मूलभूत आवश्यकता है, वो क्या है बताओ, सीड है, क्या है, बीज है। भाई पहले बीज आएगा, उसके बाद में आएगी और चीजें। तो भाई बीज और सोयल, दो चीज, तो कल सोयल का तो मैंने बताई दिया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है सोयल, जो अपने को क्या देती है, बेस देती है। सोयल के बाद में दूसरी चीज अपने पास बीज। अब जब मेरे पास सोयल है, खेत है, प्लस बीज है, उसके बाद में चाहिए मेरे को और चीजें, तो क्या, सिंचाई, ठीक है, प्रकाश, ये सब चीजें, तो ये सारी चीजें, पर यही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर कैसे कह सकते हैं, सबसे नेसेसरी चीज, प्राइमरी चीजों के अंदर क्या क्या आता है आपके, सोयल आती है, सीड आता है, वाटर आता है, ठीक है, इरिगेशन जिसको मैं कह सकता हूँ, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये सब क्या प्राइमरी चीजों में आते हैं जो अपने को जरूरत है ही। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन की व्हाट इज सीड, सीड होता क्या है, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं कि बीज होता क्या है। अब देखो, इसकी मैं अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से डेफिनेशन बताता हूँ और बायो के हिसाब से डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हिंदी में मैं डेफिनेशन बताऊं, तो मैं कह सकता हूँ कि पौधे का कोई सा भी भाग, प्लांट का कोई सा भी बॉडी पार्ट, जिससे एक नया पौधा तैयार कर सकता हूं मैं स्वस्थ, उसको बीज कहूंगा। छोटी सी डेफिनेशन है कि पौधे का कोई सा भी भाग, पादप का कोई सा भी भाग जिससे मैं नया पौधा तैयार कर सकता हूं उसको बीज कहूंगा। ये तो गई एग्रीकल्चर के हिसाब से कि पादप, सॉरी, पादप का शरीर का, ठीक है, या कोई सा भी भाग, बॉडी पार्ट जिसको अपन बोलते हैं। अब पौधे के बॉडी पार्ट में क्या क्या आएंगे बेटा, एग्जाम्पल, पौधे के बॉडी पार्ट में मैं यहाँ पे कह सकता हूं लाइक लीफ, ठीक है, पत्ती, रूट, शूट,
फ्लावर, फ्रूट, फल है ना, ये सब चीजें तो आती है पत्ते में, टहनी, उनसे किसी से भी नया पौधा अगर मैं तैयार कर रहा हूं तो उसको मैं एग्रीकल्चर के वे में क्या कहूंगा कि ये उसका क्या है, सीड है, ये उसका सीड। पर अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बेटा कि बायोलॉजी के हिसाब से बीज किसको कहेंगे, तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को, पुष्प के परिपक्व, परिपक्व बीजांड को, परिपक्व बीजांड, ठीक है, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। दो डेफिनेशन होगी, अंग्रेजी की भी बात करते हैं, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूं कि बीज है क्या। अब मेरे को एक चीज बताओ आप, पहले अंग्रेजी में बात कर लेते हैं अपन एग्रीकल्चर की, कि सीड इज द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, सीड इज द एनी पार्ट, सीड क्या है, सीड इज द एनी पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का कोई सा भी भाग जो क्या करता है, सीड इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट, फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट, जो क्या करता है, एक न्यू प्लांट तैयार कर सकता है, पौधे का कोई सा भी भाग जो एक नया पौधा तैयार कर सकता है उसको मैं बीज कहता हूं। अब इसी को मैं अगर अंग्रेजी के अंदर बायो में डेफिनेशन बताऊं तो आपकी क्या रहेगी, सीड इज ए फर्टिलाइज्ड, सीड इज ए फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर, फर्टिलाइज्ड को क्या बोलते हैं, निषेचित, निषेचित, और मैच्योर को क्या बोलते हैं बेटा, परिपक्व, परिपक्व क्या है, बीजांड, बीजांड को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, दो चीज होती है देखो, एक तो होता है आपने बीजांड, ठीक है, और एक होता है क्या, अंडाशय, दो चीज होती है ना, पहली चीज अपना बीजांड, बीजांड को अपन क्या बोलेंगे, ओवेरी, सॉरी मैच्योर ओव्यूल, ओवीयूएलई, ओवीयूएलई, ओव्यूल, ओव्यूल मतलब होता है बीजांड, ठीक है, अभी सीड के पार्ट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सही से। और एक होता है अपना ओवेरी, ओवेरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय, ओवीएआरवाई। अब एक चीज समझना, फल और बीज दो चीज है, यहां पे लिखता हूं मैं, फल यानी फ्रूट, ठीक है, और सीड, बीज का निर्माण तो किससे होता है भाई, बीजांड से होता है, और बीजांड ओव्यूल कौन सा, फर्टिलाइज, फर्टिलाइजर, ठीक है, और परिपक्व यानी मैच्योर, मैच्योर एंड फर्टिलाइज जो ओव्यूल होता है वो किसका निर्माण करता है, सीड का निर्माण करता है। समझ में आ गया, बीज किसे कहेंगे, एज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट को अगर पूछोगे कि व्हाट इज सीड, तो वो क्या कहेगा कि एक ऐसा बीजांड जो परिपक्व है, वो परिपक्व हो गया तभी तो वो नए पौधे को जन्म देगा, और दूसरा क्या है, वो निषेचित है, फर्टाइल है, उर्वर है, तभी तो वो देगा। अब उर्वर कैसे, इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, बीज की जीवन क्षमता का टेस्ट करते हैं, वो अपन आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी आपको एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि फल का निर्माण होता है, फिर आपको ऑप्शन मिलते हैं ओव्यूल, ओवेरी, ऐसे फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण किससे होता है बेटा, अंडाशय से, और अंडाशय को क्या बोलते हैं अपन, ओवेरी, ठीक है, और बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से, और बीजांड को क्या बोलते हैं, ओव्यूल, क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूल बोलते हैं। एक चीज क्लियर, अब आगे देखते हैं अपन, डेफिनेशन मैंने बताई थी, ठीक है, डेफिनेशन कि सीड इज ए फर्टिलाइज्ड मैच्योर एंड लिविंग ओव्यूल विच हैव द कैपेसिटी ऑफ फ्रॉम ए न्यू प्लांट, उसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है, एक ऐसा ओव्यूल जो फर्टाइल है, वो क्या है, फर्टाइल है, मैच्योर है, और क्या करता है, नया पौधा तैयार करने की, ए न्यू प्लांट तैयार करने की क्या रखता है, कैपेसिटी, उसको बीज कहेंगे बेटा, बायो के हिसाब से, एग्रीकल्चर के हिसाब से हो गया कि सीड इज द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, सीड इज द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म, वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है, लाइक लीफ, रूट, सूट, ये चीजें हो गई। आगे अपन देखते हैं बीज के भाग, ठीक है, उसके बाद में अपन आगे की चीजें समझेंगे। बीज के भाग, बीज के भाग, ठीक है, पार्ट ऑफ सीड, तो सबसे पहले आता है अपना एम्ब्रियो, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, भ्रूण, क्या कहते हैं, भ्रूण, EMBRYO, एम्ब्रियो। सेकंड नंबर पे आता है बेटा आपके, यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे थर्ड, ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आपके आता है वो आता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, EN, एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। और थर्ड नंबर पे जो आपके आता है बेटा वो आता है सीड कोट, क्या आता है, सीड कोट, सीड कोट को क्या बोलते हैं बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं सीड कोट को, बीजावरण, क्या बोलते हैं, बीजावरण या बीज चोल, क्या बोलते हैं,
बीज चोल, ऊपर जो कवर आता है ना, यही तो तीन ही तो पार्ट आते हैं एक सीड के नॉर्मली। अब इनमें समझना, यहाँ पे है समझने लायक चीज जो आपको याद रखनी है और एंड तक कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। एम्ब्रियो क्या काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट। भ्रूण जो है ना वो क्या काम करता है? रूट एंड शूट। रूट एंड शूट क्या करेगा? जड़ और तने का निर्माण करेगा बेटा। भ्रूण है वो जड़ और तने का निर्माण करेगा। और भ्रूण एम्ब्रियो कैसा चाहिए था? अपने अमन ने पढ़ा बीजांड, बीजांड से ही तो परिपक्व होकर भ्रूण बनता है भाई। बीजांड को क्या बोला था अंग्रेजी में? ओव्यूल। और ओव्यूल कौन सा था? फर्टाइल था और परिपक्व मैच्योर था, जो किसकी कैपेसिटी थी? एक नया पौधा तैयार करने की उसमें क्षमता थी बेटा। तो ये बीज के पर वो है वो भाग पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग देखा हमने एम्ब्रियो या भ्रूण, और भ्रूण क्या काम करता है? रूट एंड शूट का विकसित करने का। दूसरा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या काम करता है? इस भ्रूण को क्या करता है? पोषण देता है। पोषण देता है, क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषण देता है बेटा। किसको? भ्रूण को पोषण कौन देगा? भ्रूण पोष, नाम से समझ में आ रहा है, भ्रूण पोष। आपने नारियल, आपके जब बुखार उखार हो जाता है डेंगू, तो नारियल पीते हैं ना, नारियल का जो पानी आता है उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी आती है, बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आती है। क्यों? वो क्या है, नारियल का पानी जो है ना वो 3N होता है, ठीक है। अब 2N 3N समझते हो ना, युग्मक जो होते हैं। और वो क्या होता है, नारियल का पानी जो अपन पीते हैं वो क्या होता है? उस नारियल का भ्रूण पोष होता है। क्या बेटा? बेटा भ्रूण पोष होता है, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो किसको एनर्जी देता है, किसको न्यूट्रिएंट्स देता है? एम्ब्रियो को देता है, भ्रूण को देता है, ठीक है। आपका जो एंडोस्पर्म है उसका क्या काम है? न्यूट्रिएंट्समेंट ऑफ द एम्ब्रियो। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आपका सीड कोट या बीज चोल, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। किसका? इन दोनों का प्रोटेक्शन करता है, मतलब मैं कह सकता हूँ सुरक्षा करता है इनकी। बीज के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ होता है ना, वो क्या करता है? इन दोनों की सुरक्षा करता है बेटा। क्या करता है? इनकी सुरक्षा करता है। अब हम, मैंने एक चीज आपको बताई इसमें कि पौधे का कोई सा भी भाग, डेफिनेशन में हमने बात करी ना, पौधे का कोई सा भी भाग, ठीक है, पौधे का कोई सा भी भाग लाइक जड़ तना पत्ती, ठीक है, जो नया पौधा तैयार कर सकता है उसको बीज कहूंगा मैं, राइट। अब एक चीज बताओ, कोई सा भी भाग अपनी अंगुली तोड़ के लगा देंगे तो दूसरा आदमी थोड़ी भी बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। पर किसी किसी पौधे में, जैसे अभी बहुत सारे पौधे, एक दो पपीता है अपना, ठीक है, पपीता के अंदर आप पपीता को लगाओगे नहीं होगा। पपीता एक ऐसा जिसका प्रोपगेशन जो होता है ना, प्रवर्धन जिसको बोलते हैं, वो बाय सीड होता है बेटा, बीज से होता है। पपीते के अंदर पौध तैयार करते हैं तो बीज ही चाहिए, और मैं आप कुछ भी कलम अलम लगा के कैसे भी नया पौधा तैयार कर लेते हो, तो एक एक ड्रम यूज होती है, टोटिपोटेंसी। क्या होती है पता है? जैसे एक कोशिका है, ठीक है, कोई भी कोशिका है, या इतना बड़ा पेड़ है, ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम का नाम सुना, पत्थर चट्टा, उसकी पत्ती से लग जाता है पौधा। तो उसकी एक पत्ती लेके हमने, उसमें कलिकाएं निकल गई, नया पौधा तैयार हो गया। तो जो क्षमता है ना कि पौधे के किसी भी भाग से, जैसे अपना कमल का है, गुलाब का है, गुलाब की अपनी टहनी लगा देते हैं, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो मैं ये टोटिपोटेंसी के टर्म, वैसे तो बायो में, पर अगर इसको एग्रीकल्चर में पूछ लेता है इसका फादर कौन है, पहली बात तो ये लिख लो, जनक। इसका जो टोटिपोटेंसी का जनक है वो कौन है? हेबरलैंड। कौन है? हेबरलैंड। हेबरलैंड इसका जनक है बेटा। और कहते किसे है कि किसी कोशिका की या किसी शरीर की या एक कोशिका से हूबहू नया पौधा जो तैयार करने की, या नया जीव, पौधा या जीव, जैसे अमीबा में आप थोड़ा सा काट लो उससे दूसरा बन जाता है, देखा होगा आपने, जो आपका हाइड्रा है, हाइड्रा में विभाजन देखा है ना, वो ऐसे मुकुलन निकलता है, टूट जाता है, फिर नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या होती है? टोटिपोटेंसी होती है, कि एक कोशिका जो अलग हो गई है शरीर से, वो हूबहू दूसरी कोशिका का निर्माण कर देती है, दूसरे जीव का निर्माण कर देती है, वो टोटिपोटेंसी कहलाती है। टोटिपोटेंसी का जनक कौन है? हेबरलैंड है बेटा। तो अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी अभी? बीज की डेफिनेशन मैंने बताई, ठीक है। बीज क्या होता है, किससे बनता है बीज? ओव्यूल से बनता है। ओवेरी से क्या बनता है? फल बनता है, ठीक है। और ओव्यूल कौन सा होना चाहिए आपका? मैच्योर एंड फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा बेटा, इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं सीड के। भ्रूण जो क्या करता है? रूट और शूट को विकसित करता है, फिर एंडोस्पर्म। और ये तो चलो बीज के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं अपन इसके बाद में पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, ये छोड़ो, ये ज्यादा डीपली हो जाएगा। बीज के प्रकार, ठीक है, उससे पहले अच्छे बीज के गुण पढ़ते हैं अपन, या पहले बीज के प्रकार देख लेते हैं, बीजों का क्लासिफिकेशन आएगा। बीज के प्रकार, अब पहला ही पार्ट अपना क्या था? भ्रूण। क्या था? भ्रूण था, ठीक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं बीज पत्र के आधार पे, सीड कोट के आधार पे, ठीक है। तो दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और दो बीज पत्री, ठीक है। एक बीज पत्री को क्या बोलते हैं? मोनोकोट।
और दूसरा होता कौन सा, द्विबीजपत्री या डाइकोट। ठीक है, सीधा सा समझ लेना, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जिनका बीजपत्र एक भाग में बटा होता है, ठीक है, जिनका बीजपत्र दो भाग में, टू पार्ट्स के अंदर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइकोट या द्विबीजपत्री बोलते हैं। एक बीजपत्री का कौन सा उदाहरण है, जैसे मक्का, मेज, ठीक है। हाँ, ये जो सीरियल क्रॉप्स वाले हैं, इनको तुम मक्का को तोड़ना कभी दो बराबर भागों में नहीं टूटेगा, पर जो आपकी पल्सेज हैं, जैसे मूंगफली है या पल्सेज है, चना है, मूंगफली है, मूंगफली पर थोड़ा सा अपन प्रेशराइज करते हैं तो दो बराबर भागों में वो टूट जाता है, तो वो कौन सा है, डाइकोट है। और इनकी क्या पहचान है, देखो एक बीजपत्री वाले जितने भी प्लांट्स होंगे ना, उनकी पत्री जो क्या, पत्ती जो होगी ना लीफ, वो संकरी होगी, नेरो क्या रहेगी, पत्ती जो है ना वो क्या रहेगी, संकरी, संकरी पत्ती वाले, जैसे अब गेहूं हो गया आपका, संकरी पत्ती है, ठीक है, इनमें क्या रहेगी, चौड़ी रहेगी पत्ती, क्या रहेगी बेटा, चौड़ी रहेगी, जैसे कि मूंगफली, मूंगफली के पत्ते चौड़े आते हैं क्या, है, गेहूं के सकरे आते हैं। उसके अलावा इसमें बात करें अपन सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले, ठीक है, आपके घासे वगैरह जो आती है ना ग्रेमनी कुल के, वो सारे एक बीजपत्री में आते हैं, ठीक है, और द्विबीजपत्री के अंदर आपके लेगुमिनेशी, तिल, सारे उसमें आते हैं, कौन सा, हाँ डाइकोट में आएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं जड़ तंत्र के बारे में, ठीक है, जड़ तंत्र, चकड़ा जड़ तंत्र होता है एक तो, और एक होता है मूसला मूल, ठीक है, इसमें कौन सा पाया जाएगा, एक बीजपत्री में जकड़ा जड़ तंत्र पाया जाएगा, इसमें मूसला मूल पाया जाएगा, ठीक है, टैप रूट सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, जकड़ा तंत्र और मूसला मूल तंत्र, और इसके बाद में फैमिली ग्रेमनी है, ये नॉर्मल एक क्लासिफिकेशन है कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री किसे कहते हैं। उसके अलावा अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें एक सबसे पहले एक और चीज आती है, बीज मतलब सीड है ना, अब तुम मेरे को बताना, और एक होता है दाना, ग्रेन, दाना, ठीक है, ग्रेन जो होता है ना उसमें क्या क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये आप बताओ, सोचो एक बार, बीज और दाने में क्या क्या अंतर रहेगा, ग्रेन में, इसके अलावा बताओ, सीड और ग्रेन में, सीड और ग्रेन में क्या अंतर है भाई, बीज को तो अपन सिर्फ किसके लिए लाते हैं, उगाने के लिए लाते हैं, और सीड को खाने के लिए, सॉरी ग्रेन को खाने के लिए लाते हैं, यूज फॉर सोविंग, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बुआई के लिए यूज, इसमें लिख सकता हूं मैं खाने के लिए, यूज फॉर फूड, किसके लिए, फूड के लिए यूज होगा, और ये किसके लिए होगा, सोविंग के लिए, ठीक है, पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या रहेगा बेटा, बीज जो है वो क्या होगा, अनुवांशिक रूप से शुद्ध होएगा, अनुवांशिक रूप से क्या होगा, शुद्ध होएगा, जेनेटिक प्योर रहेगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि वो जेनेटिक प्योर हो, जेनेटिक प्योर का मतलब क्या होता है, अभी जब अच्छे बीज के गुण पड़ेंगे ना तब पड़ेंगे, जेनेटिक प्योर का मतलब होता है कि जैसे गेहूं की मेरे पास एक वेरायटी है, तो उसमें जितने दाने हैं ना, जितने बीज है ना, वो सारे उसी वेरायटी के होने चाहिए, दूसरे के नहीं होने चाहिए, उगाऊंगा तो नहीं, तो एक कम पहले पक जाएगा, एक बाद में पकेगा, एक बोना रह जाएगा, एक लंबा रह जाएगा, तो खेत पूरा खराब हो जाएगा, सही से प्रोडक्शन अपने को नहीं मिलेगा। तो सीड जिसको सोविंग के लिए यूज कर रहे हो, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए क्या, वो जेनेटिक प्योर होना चाहिए, पर खाने के लिए चक्की पे पिसाने के लिए जाते हैं कट्टे में, चाहे से उसमें कोई सी भी वेरायटी हो गेहूं की, चलेगा अपने को क्या, आटा बनवाना और खाना है, ठीक है, दो चीज के लिए। तीसरी चीज देखो अब इसमें क्या है, वाइबल, ठीक है, जर्मिनेशन कॉस्टली, या अपन सीधी सी बात करें तो ट्रीट विद केमिकल्स, जो बीज आता है आपका वो क्या होता है, केमिकल्स, आपके जो रसायन उपचार आता है, रसायनों से उपचारित, जबकि ये वाला अपना ग्रेन उपचारित नहीं होता है। बीज क्या आता है, थोड़ा कॉस्टली आता है, महंगा आता है बेटा, क्या आता है, महंगा आता है, ये क्या आता है, थोड़ा उसके मुकाबले सस्ता आता है, उसके मुकाबले सस्ता आता है। इसका सीधा सा उदाहरण, जैसे गेहूं की अपने को कोई वेरायटी चाहिए, ठीक है, तो अपन गेहूं की वेरायटी जो बोने के लिए जो कट्टा लाते हैं दुकान से, वो ज्यादा महंगा आता है, ठीक है, बजाय किसके, जो अपन आटे के लिए लेते हैं ना पिसवाने के लिए, वो सस्ता आता है, क्यों, क्योंकि उसमें जेनेटिक प्योरिटी। अभी जैसे मैं भौतिक शुद्धता की बात करूं, तो भौतिक तो दोनों में चाहिए, वो अंतर में नहीं आएगा। भौतिक शुद्धता किसे कहते हैं, जो आंखों से, फिजिकल प्योरिटी जो आंखों से देखा जा सकता है, भाई आंखों से मेरे को दिख रहा है गेहूं के कट्टे के अंदर कंकड़ पड़ा है, तो मैं उसको पिसवाऊंगा क्या, नहीं पिसवाऊंगा ना आटे के लिए, और उसको क्या मैं खेत में डालूंगा क्या, नहीं डालूंगा ना, तो वो तो अंतर में नहीं आया, कॉमन चीज हो गई। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अंतर पढ़ रहे हैं, तो मैंने अंतर बताया आपको बीज और दाने के अंदर अंतर, ठीक है, पहला अंतर हो गया अपना यूज फॉर सोविंग, सीड को सोविंग के लिए यूज करेंगे, उसको सोविंग के लिए नहीं करेंगे। शुड बी जर्मिनेटली प्योर, अनुवांशिक रूप से शुद्ध रहेगा, इधर नहीं करेंगे भाई, गेहूं पिसवाने ले जाते हैं उसको उपचारित थोड़ी करते हैं,
ठीक है, वो प्योर रहता है, उसको केमिकल से अपन ट्रीट नहीं करेंगे बेटा, इसको ट्रीट करते हैं जैसे FIR विद ये फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड राइट जो भी हम, वो अपन आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे चलेंगे, ठीक है। हाँ, बीजीए, ठीक है। अभी FIR वो क्या है, बीज उपचार का क्रम है बेटा। FIR पहले करते हैं फंजीसाइड से, फिर करते हैं इंसेक्टिसाइड से, फिर करते हैं लास्ट में राइजोबियम कल्चर से। तो वो बीज उपचारित की विधियां हैं, और वो उपचार अपन किसको करेंगे, जिसको अपन सोविंग के लिए यूज कर रहे हैं, जिसको सीड कह रहे हैं, ना कि दाने को। मैं अभी अपने घर पे जो कट्टे पड़े हैं ना, जिनको अपन चक्की पे ले जाते हैं, उसको कहते हैं ग्रेन, और जो अपन लेके आते हैं, जिसको अपन सोविंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। हैव मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आपका जो बीज होता है ना, उसमें न्यूनतम गुणवत्ता वाले जो गुण है ना सारे, वो होने चाहिए, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सीड के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कैसे, जैसे आनुवंशिक शुद्धता जेनेटिक प्योरिटी 99% होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी जो है उसकी 98% होनी चाहिए, उसका रियल वैल्यू मान 75% से कम नहीं होना चाहिए, वास्तविक उपयोगिता मान। तो क्या उसके न्यूनतम क्या होते हैं, मिनिमम जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करना पड़ता है, पर बाकी घर के लिए जो अपन यूज कर रहे हैं दाने के लिए या पशुओं को खिलाने के लिए पिसवाने के लिए, उसमें ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। तो ये 5 अंतर मैंने करवाए हैं, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, देख लेना भाई। सीड के अंदर सोविंग के लिए यूज करते हैं, ग्रेन को खाने के लिए यूज करते हैं। इसमें आनुवंशिक शुद्धता चाहिए, उसमें कोई जरूरी नहीं है। इसमें केमिकल से उपचारित करते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये महंगा पड़ता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसके क्या होते हैं, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, इधर स्टैंडर्ड्स की कोई अपने को आवश्यकता नहीं रहती है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन तो जो चीजें नहीं पढ़ी हुई ना वो पढ़ रहे हैं पहले, आगे की जो और बहुत सारी ऐसी चीजें आएगी जो आपके पहले से बहुत बार पढ़ी हुई है, तो उनको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले नई चीजें जो है वो देख लेते हैं अपन एक बार। अब उत्तम बीज के गुण पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, उत्तम बीज के गुण। बेस्ट जो सीड है उसके क्या क्या करैक्टर्स होते हैं, उत्तम बीज के गुण क्या पढ़ना है बेटा, उत्तम बीज के गुण। पहला ही अगर बात करूं मैं किसकी, आनुवंशिक शुद्धता। पहली मैं बात करता हूं जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता। दूसरा गुण है भौतिक शुद्धता, फिजिकल, ठीक है, भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। थर्ड नंबर पे मैं बात करूं अगर अंकुरण प्रतिशतता, या मैं कह सकता हूं अंकुरण प्रतिशतता या रोग मुक्त अंकुरण, जर्मिनेशन परसेंटेज, प्रतिशतता। चौथा मैं कह सकता हूं वास्तविक उपयोगिता मान, RV जिसको बोलते हैं रियल वैल्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, रियल वैल्यू। ये क्या अभी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, RV या वास्तविक उपयोगिता मान, ठीक है, रियल वैल्यू। पांचवा उसके बाद में अपन बात करें अगर, तो अपन कह सकते हैं नमी की मात्रा, परिपक्वता, परिपक्वता मैच्योरिटी उसमें होनी चाहिए, नमी की मात्रा उसमें उचित होनी चाहिए, नहीं तो वो जर्मिनेट ही नहीं होगा। छठा लिख सकता हूं, सॉरी सातवा, आसानी से प्राप्त होना चाहिए, आसानी से मिलने वाला, आसानी से और उचित रेट पे मिलने वाला वो होना चाहिए। उत्तम बीज के गुण पढ़ रहे हैं अपना ना, अंकुरण क्षमता लिख दी ना मैंने, हाँ अंकुरण प्रतिशत। 7 गुण मैंने बताए, बिल्कुल जनरल से हैं, सातों के सातों गुण, ठीक है। EPGL hypogl वो भी पढ़ेंगे अपन, पहले एक बार क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें आनुवंशिक शुद्धता की, जेनेटिक एंड वर्टिकल प्योरिटी, तो आनुवंशिक शुद्धता में मैंने एक चीज, ये क्या हुआ, आनुवंशिक शुद्धता में मैंने एक चीज बताई कि जिस किसी भी एक वेरायटी का मैं यूज कर रहा हूं ना, उस वेरायटी में दूसरी वेरायटी नहीं मिली होनी चाहिए, ठीक है। जैसे गेहूं की या धान की, मैं कोई भी धान की जैसे जया वेरायटी है, ठीक है, जिसको जादुई धान कहते हैं, मैं उसका यूज कर रहा हूं, तो उसमें जितने भी मेरे पास दाने हैं, जो बीज है, वो सारा उसी का होना चाहिए, दूसरी वेरायटी का नहीं होना चाहिए। दूसरी वेरायटी का हो गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, आनुवंशिक अशुद्धता बोलूंगा बेटा, क्या बोलूंगा, आनुवंशिक अशुद्धता। तो इसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिक शुद्धता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कितना होना चाहिए, 99.99%। अब आनुवंशिक शुद्धता का जो सूत्र है वो लिखो आप, इसी में लिखवा लेते हैं अपन, ठीक है। आनुवंशिक शुद्धता, शुद्ध बीजों का भार बटा नमूने में लिए गए बीजों का भार, यहां पे लिख देता हूं, जेनेटिक प्योरिटी बराबर ठीक है, ये सूत्र लिखो आप,
शुद्ध बीजों का भार प्योर, ठीक है, शुद्ध बीजों का भार बटा नमूने में लगे टोटल बीजों का भार, नमूने में लिए गए बीजों का भार मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 गुणा 100, लिख लो आराम से, बीजों की आनुवंशिक शुद्धता। ठीक है, सॉरी ये भौतिक शुद्धता का है ना, भौतिक शुद्धता नमूने में लिखी है कुल शुद्ध बीजों का भार है ना, ये भौतिक शुद्धता का है। भौतिक शुद्धता क्या होती है, भौतिक मतलब फिजिकल रूप से प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जैसे ये बीज की कोई थैली है मेरे पास, सपोज दैट ये बीज की कोई थैली है, ठीक है, बीज की थैली पाउच है, उसके अंदर बीज के अंदर मेरे को कुछ अगर कंकड़ दिख रहा है, कुछ धूल माटी कण ऐसे मेरे को दिख रहा है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, फिजिकल इनप्योरिटी, फिजिकल अशुद्धता, जिसको अपन दूसरा शब्द देते हैं क्या कहते हैं, डॉकेज। डॉकेज का नाम सुना है क्या, स्टार लगा के ऊपर लिखना डॉकेज, बीजों में पाई जाने वाली फिजिकल इनप्योरिटीज, बीजों में पाई जाने वाली भौतिक अशुद्धता है जो अपने को दिखती है, उसको क्या कहते हैं, डॉकेज कहते हैं। क्लियर, भौतिक शुद्धता का सूत्र लिख लिया, शुद्ध बीजों का भार बटा नमूने में लिए गए कुल बीजों का भार इंटू 100, लिख लो। उसके बाद में बेटा अपना अंकुरण प्रतिशतता, तो अंकुरण प्रतिशतता जो है, तो इसमें एक और चीज ऐड होती है अंकुरण के, इसमें टेस्ट होते हैं अंकुरण प्रतिशतता जांचने के लिए, ठीक है, अंकुरण प्रतिशतता जांचने के लिए टेस्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। आपने नाम सुना होगा बालू विधि, सुना है क्या, चलो ये टेस्ट अपना दिया नहीं है, पहले इसका अपन फॉर्मूला देख, अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बीजों की संख्या, अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बीजों की संख्या, यहां पे लिख देता हूं मैं, डॉकेज आपने लिख लिया मिटा दूं मैं, अंकुरित बीजों की संख्या ये लिखो बटा कुल बीजों की संख्या, कुल बीजों की संख्या मल्टीप्लाई 100। दो मैंने फॉर्मूला बताया, एक तो फिजिकल प्योरिटी का और एक आपके जो अंकुरण प्रतिशत है जर्मिनेशन परसेंटेज निकालने का, ठीक है, दो हमने फॉर्मूले देखे हैं। सबसे ज्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज होता है ना वो किसका होता है, मक्का का होता है, किसका होता है, मक्का का 90 से 95%, और सबसे जो कम होता है वो कपास का होता है, कपास और भिंडी का 65%। 65% का मतलब सीधा सा मैं ऐसे लग सकता हूँ, कपास के 100 बीज लगाओगे उनमें से 60 से 65 बीज ही आपके जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेशन मतलब अंकुरण, अंकुरण प्रतिशतता उसी को तो बोलते हैं, प्रतिशत 100 में से निकालते हैं, तो अगर 60% आ रहा है इसका मतलब 100 में से 60 बीज उग रहे हैं, और मक्का में 100 बीज अगर आप धरती में डालोगे, सोविंग करोगे, तो चांसेस हैं आपके 90 से 95 बीज उसके उगेंगे, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया बेटा। आगे देखते हैं अपन, गेहूं की जो है वो है 85%, गेहूं और जो की 85% है, धान की 80% है, मूंग और बाजरा में 75% है, ठीक है, ये आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना एंट्रेंस वगैरह उनमें पूछते हैं, अपने टेस्ट पेपर में क्या पूछता है लिखित में जो बीएससी फर्स्ट ईयर में आता है कि एक अच्छे बीज के गुणों के बारे में बताइए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे पूछेगा उत्तम बीज के गुण लिखिए, 10 नंबर का तो उत्तम बीज के गुण लिखिए वो उनको समझाइए। तो हमने पहला लिख लिया आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता 99% होनी चाहिए। भौतिक शुद्धता में हमने लिख दिया कि बीजों के अंदर पाई जाने वाली अशुद्धता जो देखी जाती है उसको डॉकेज कहते हैं, और 98% तक पाई जानी चाहिए। इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया शुद्ध बीजों का भार बटा नमूने में लिखे टोटल बीजों का भार इंटू 100। फिर आया अपना अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरण प्रतिशतता अच्छी होनी चाहिए, 65 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सबसे कम किसकी होती है, कपास की, सबसे ज्यादा मक्का की, ठीक है, मक्का की होती है। तो कैसे निकालेंगे, अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बीजों की संख्या इंटू 100, ठीक है। अब आता है वास्तविक उपयोगिता का मान, रियल वैल्यू मेन, ठीक है, 75 से कम नहीं होना चाहिए, जो रियल वैल्यू है ना आपका 75 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 75 से कम है किसी का तो उसको अपन अच्छे बीज के अंदर रखेंगे नहीं, किसमें नहीं रखेंगे, अच्छे बीज के अंदर रखेंगे नहीं उसको, ठीक है। अंकुरण प्रतिशतता हो गया अपना, एक जीवन क्षमता भी आती है इसमें बेटा, अंकुरण प्रतिशतता के अलावा परिपक्वता या अपन जीवन क्षमता कहते हैं, बीज की जीवन क्षमता का ज्ञात, वाइगरिक जिसको बोलते हैं, ओज जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, जैसे उसके लिए TZ टेस्ट सुना होगा, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो किसके लिए करते हैं, सीड की ओज के लिए, जीवन क्षमता जांचने के लिए, ठीक है। अब लिखो आगे,
बीज की वास्तविक उपयोगिता मान के बारे में लिखो, रियल वैल्यू के बारे में। अंकुरण प्रतिशतता इंटू शुद्धता प्रतिशतता, इसका फॉर्मूला लिख लो बेटा, रियल वैल्यू बराबर, ठीक है, अंकुरण प्रतिशतता इंटू शुद्धता प्रतिशतता, ठीक है, अंकुरण प्रतिशतता इंटू शुद्धता प्रतिशतता बटे 100 बटे 100, क्या आ जाएगा, रियल वैल्यू मान आ जाएगा। और कितने से कम नहीं होना चाहिए बेटा, 75 से कम नहीं होना चाहिए। अंकुरण प्रतिशतता हमने यहां से निकाली, अंकुरित बीजों की संख्या बटा कुल बीजों की संख्या, ठीक है। और शुद्धता कहां से निकाली, शुद्ध बीजों का भार बटा नमूने में लेके कुल बीजों का भार मल्टीप्लाई 100, और उसको इसमें रख के 100 का वो किया, परसेंटेज में आ गया आपका आरवी, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू मान, ठीक है। वो कितना, 75 से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं अपन, पढ़ क्या रहे अपन, उत्तम बीज के गुण पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब, परिपक्वता या जीवन क्षमता। इसके लिए परिपक्वता जो जीवन क्षमता होती है ना, इसके लिए अपन कौन कौन से टेस्ट करते हैं, एक तो TZ टेस्ट आपने सुना है, TZ टेस्ट, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए जीवन क्षमता टेस्ट। इस प्रयोग किया जाने वाला 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज करते हैं, 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड लिखो, ऐसे लिखो, TZ टेस्ट, TZ या टेट्राजोलियम टेस्ट। इसमें प्रयोग किया जाने वाला रसायन, इसमें प्रयोग किया जाने वाला रसायन 2,3,5, इसमें प्रयोग किया जाने वाला रसायन 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा किया जाता है इसके अलावा गॉर्डेक्स टेस्ट, यह भी जीवन क्षमता के लिए किया जाता है, क्या, गॉर्डेक्स टेस्ट। इसके अलावा किया जाता है कैमेनो फोर परीक्षण, आगे आता है बेटा नमी की मात्रा। एक अच्छे बीज के अंदर है ना, उसमें जितनी नमी चाहिए उतनी होनी चाहिए, ज्यादा नमी होगी तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, कम नमी होगी तो वो सूख जाएगा। तो उसका जो आपने पढ़ा था ना, मैच्योर एंड फर्टाइल निषेचित होना चाहिए उसका, ठीक है, वो नहीं रह पाएगा क्योंकि उसको सही नमी नहीं मिलेगी। तो इसमें अपन, अब थ्योरी पेपर है तो नमी की मात्रा में सब बच्चे आराम से लिख सकते हैं कितना कितना रहेगा, तो मैं इसमें बता देता हूँ। खाद्यान्न के लिए जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें नमी होनी चाहिए 10 से 12%, लिख लो 10 से 12% खाद्यान्न के लिए 10 से 12%, दलहन के लिए 8 से 10% नमी होनी चाहिए, तिलहन के लिए 6 से 8% नमी होनी चाहिए, गेहूं के लिए स्पेशली अगर बात करूं तो 12% नमी होनी चाहिए भंडारण में, सीड का जो अपन अच्छे बीज का भंडारण करेंगे जहां से लाएंगे कितनी नमी होनी चाहिए, 12% तक नमी होनी चाहिए बेटा। बात करें अगर धान की तो धान में होनी चाहिए कितनी, 14%। बात करें मूंगफली की तो 5%, क्योंकि मूंगफली के बीज में एफ्लाटॉक्सिन बन जाता है, ठीक है, 5% तक उसमें नमी होनी चाहिए, यह चीज लिख लो आप। क्या हुआ, खाद्यान्न, हाँ 14%, ठीक है, मूंगफली में कितनी, 5% ही रखनी है। और सबसे ज्यादा मैंने जो अंकुरण प्रतिशतता बताई वो किसमें होती है, मक्का में, सबसे कम किसमें होती है, कपास में 65, कपास और भिंडी में सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। अच्छे बीज के गुणों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आगे देखते हैं अपन। अब दो चीज होती है बेटा, आपने अगर कहीं पे देखा हो, पढ़ा होगा सीड इंडेक्स, पढ़ा है क्या, सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। अरे हिंदी में बताता हूँ, बीज सूचकांक, दो टर्म होती है, बीज सूचकांक, इसको बोलते हैं सीड इंडेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स। और दूसरा जो होता है वो होता है टेस्ट वेट, क्या होता है, परीक्षण भार या टेस्ट वेट, लिखो क्या होता है, लिखना। जो सीड इंडेक्स होता है आपका वो क्या होता है, 100 दानों का वजन, सीड इंडेक्स जो होता है बेटा वो क्या होता है, 100 दानों का वजन। ये किसके लिए यूज करते हैं, जो मोटे दाने हैं ना उनके लिए यूज करते हैं सीड इंडेक्स। और परीक्षण भार टेस्ट वेट क्या होता है, 1,000 दानों का वजन,
जो बारीक दाने हैं ना उनके 1000 दानों का वजन को क्या बोलते हैं अपन, जैसे बासमती धान का सीड इंडेक्स कितना है, धान का और बासमती धान का 2621, गेहूं सा का पड़ा है ना 1000 दानों का वजन, उसको क्या बोलेंगे, सीधा से याद रखना 20 सूचकांक, सू सू मतलब 100, या फिर ऐसे याद रखना इंग्लिश में लिखे तो सीड इंडेक्स, इंडेक्स जो बनाते हैं अपन, आपने रजिस्टर के फ्रंट पेज पे आता है ना इंडेक्स, आता है ना अपन कर्म इंडेक्स आता है ना, ऐसे सारणी बनी हुई, यहाँ पे एक नंबर टॉपिक का नाम ऐसे इंडेक्स, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 खाने आ सकते हैं, ऐसे याद रखना, 1000 तो नहीं आ सकते ना, तो 100 है इसका मतलब सीड इंडेक्स। सीधा सा प्रश्न आता है सीड इंडेक्स क्या होता है, 100 दानों का वजन सीड इंडेक्स कहलाता है, 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है बेटा, टेस्ट वेट कहलाता है आपके। और इसके अलावा अपने पास क्या क्या बच रहा है सीड के अंदर, अब पढ़ते हैं अपन सीड के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड। एक तो हमने पढ़ लिया था कौन सा, मोनोकोट और डाइकोट, कौन सा पढ़ लिया, मोनोकोट और डाइकोट, हाँ, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब दूसरा पढ़ते हैं अपन, उसमें क्लासिफिकेशन, इपीजियल और हाइपोजियल, अधोभूमिक और ऊपरी भूमिक, पढ़ा है क्या, इपीजियल और हाइपोजियल। अब मेरे को ऐसे बताओ, अपन एबीसीडी लिखते हैं, पहले ई आता है या एच आता है, ए बी सी डी ई, ई आता है ना, ई क्या आता है, ऊपर आता है ना, लाइन में लिखते हैं तो ई ऊपर आता है कि नीचे आता है, ई, और एच बाद में आता है। अब इसको ऐसे याद रखना, ईपीजीएल क्या होता है, हिंदी छोड़ो तुम, ईपीजीएल ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक क्या होता है, जब अंकुरण होता है ना तो दलपत्र क्या होता है, भूमि के ऊपर आ जाता है उसका, ये सरफेस है, ये सीड था, ठीक है, भ्रूणकोश था, और जब अंकुरण हुआ ना तो जो दो पत्ते आते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईपीजीएल, क्या बोलते हैं बेटा, ईपीजीएल बोलते हैं, ठीक है। और अपन सीधी सी बात, इसमें क्या होता है, हाइपोजियल में क्या रहता है, धरती के अंदर ही अंकुरण होके फिर वो बाहर निकलता है, ये जो है ना बीज को कभी उखाड़ के देखना, खरीफ वाले जो है ना, सॉरी रबी वाले जो है ना, उनको बीज को उखाड़ के देखना, उनके नीचे बनता है वो दो ऐसे पंख की तरह, और फिर दलपत्र जो बनते हैं फिर वो ऊपर आता है। तो ईपीजीएल और हाइपोजियल में इतना ध्यान रखना, पहले ई आता है ऊपर, इसका मतलब दलपत्र ऊपर आएगा, एच नीचे है मतलब नीचे रहेगा। अब मेरे को बताओ ऊपर कब जाते हैं अपन, जब बरसात होती है, बरसात होती है तभी तो ऊपर आते हैं ना, तो इसको अपन कह सकते हैं खरीफ वाली, खरीफ ऋतु में तो बरसात होती है, कल हमने पढ़ा था तीन प्रकार की ऋतुएं थी, फसल खरीफ, जायद और रबी। और सर अंदर कब दुबक जाते हैं अपन, रबी में, सर्दियों में। तो सीधी सी टर्म याद रखनी है कि ईपीजीएल और हाइपोजीएल, ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक, ठीक है। इसमें लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो बेटा, ईपीजीएल जर्मिनेशन सभी खरीफ की दलहनी फसलों में होता है, जैसे कि मूंग मोठ उड़द चवला, मूंग मोठ उड़द चवला, मूंग मोठ उड़द चवला, लिख लो, मूंगफली, ठीक है। हाइपोजियल में क्या आएगा, धान गेहूं जौ बाजरा मक्का, धान गेहूं जो, ठीक है, ये सब क्या है, सर्दियों की है। इसको ऊपरी भूमिक ईपीजीएल, अधोभूमिक भूमि के अंदर, अधोभूमिक भूमि के नीचे, ठीक है। अब इसमें लिखो इधर अपवाद क्या है बताओ, अरहर के जनस के जान, अरहर, अरहर किसमें आती है, वैसे तो दलहन में आती है, खरीफ की है, ये होना चाहिए ना, ऊपर आना चाहिए ना, पर अरहर में क्या है, अंदर रहता है, ये लिख लो एक अपवाद, लिख लो अरहर, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अपन पढ़ते हैं, इतनी चीजें हमने पढ़ ली, अंकुरण प्रतिशतता वगैरह सारी चीजें, सीड क्लासिफिकेशन और भी दिया हुआ, पर उससे पहले एक चीज रह रही है, वो देख लेते हैं अपन, बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेशन। तुम बताओ क्या हो सकता है एक बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक बताओ, सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, और दो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, फर्स्ट पे क्या है, नमी, ह्यूमिडिटी सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद में तापमान। अब मेरे को एक चीज बताओ, प्रकाश है या नहीं है,
सूर्य का प्रकाश जो है जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है या नहीं करता? नहीं करता, ठीक है। आपने देखा होगा मकान के अंदर भी अपन जब जोत देखते हैं, पूजा करते हैं, गेहूं रहते हैं नवरात्रों में माता जी के, जो गेहूं डालते हैं फिर वो गीले गीले हो जाते हैं, उग जाते हैं ना अंदर के अंदर, वहां पे धूप थोड़ी आती है। प्रकाश जो है ना वो मैटर नहीं करता जर्मिनेशन में, पर अपने को लगता है इफेक्ट करता है। प्रकाश किसमें करता है? प्रकाश संश्लेषण में करता है, ठीक है। वहां उसके बिना पौधा जी नहीं सकता, पर उग सकता है। अंधेरे में भी अंकुरण हो सकता है, बंद कमरे में अंकुरण हो जाता है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो क्या है? तापमान और नमी है, फिर ऑक्सीजन है, प्रकाश नहीं करता, ठीक है। अंकुरण प्रतिशतता अपन ने पढ़ी लिया, सबसे ज्यादा मक्का में था, सबसे कम किसमें था? कपास और भिंडी में। गेहूं का कितना था बेटा? 85। धान का कितना था? 80। मूंग और बाजरे का 75, ठीक है। अब आगे और देखते हैं अपन कौन कौन सा क्लासिफिकेशन अपना बच रहा है। अब अपन देख लेते हैं डोरमेंसी। फिर अपने पास इसमें सिर्फ दो ही चीज बचेगी, एक तो सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार और बुआई, ठीक है। उनको अपन सारणी बना के अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अपन क्या देख लेते हैं? डोरमेंसी। क्या देखते हैं बेटा? डोरमेंसी। डोरमेंसी को क्या बोलते हैं? बीज सुसुप्त अवस्था। क्या बोलते हैं? सुसुप्त अवस्था। बीज सुसुप्त अवस्था। अब डोरमेंसी किसे कहते हैं? सुनना, कोई सीड है, ठीक है। इसको जर्मिनेशन के लिए मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? नमी, तापमान, ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर मैं कहूं इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स तो वो तो नहीं चाहिए इसको, क्योंकि कौन देता है इसको उगने के लिए पोषण? भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म। भाई जो एम्ब्रियो था, भ्रूण था, वही तो उगता है। उसके दो चीज होती है, एक तो प्रांकुर, एक तनांकुर, ठीक है। प्रांकुर तो क्या करता है? जड़ों का विकसित करता है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, हाँ, मूलांकुर एक प्रांकुर को बोलते हैं, एक तनांकुर होता है, ठीक है। मूलांकुर दो चीज होती है, तो एक तो रूट को विकसित करता है, एक शूट को विकसित करता है, वो एम्ब्रियो के पार्ट्स है अगर ज्यादा डीपली अपन पढ़ते हैं। पर अभी मैं बता रहा हूँ कि सुसुप्त अवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक बीज है, उसको उगने के लिए जो चीजें चाहिए, नमी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, पोरोसिटी, जो भी कुछ चाहिए ना, वो सारी चीजें मिल रही है, फिर भी वो उग नहीं रहा, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? सीड डोरमेंसी। क्या कहूंगा? लाइक जैसे आप हो, ठीक है, कोई भी बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो वो कह रहा है मैं घर डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो वो कोचिंग में आ गया, कोचिंग में क्लासे लग रही है, नोट्स है, रहने के लिए हॉस्टल है, फोन है, वाईफाई है, लाइब्रेरी है, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? डोरमेंसी। मैं कह सकता हूँ किसी सीड को सारी फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, सारा उसके अनुकूल तापमान, अनुकूल दशाएं मिल रही है, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, उसको क्या कहूंगा मैं? सीड डोरमेंसी कहूंगा बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, बीज जीवित होते हुए भी अंकुरित नहीं हो पाता, उसे सुसुप्त अवस्था कहते हैं, या बीज के जितने भी चीजें चाहिए वो सारी उसकी फेवरेबल है, फिर भी वो उग नहीं पा रहा, उसको क्या कहेंगे अपन? सीड डोरमेंसी कहेंगे। सीड डोरमेंसी मेनली तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है बेटा, लिखो। सीड डोरमेंसी कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहली होती है जन्मजात। कौन सी होती है? जन्मजात, ठीक है। पहली कौन सी होती है बेटा? जन्मजात या इननेट। इननेट डोरमेंसी या जन्मजात सुसुप्त अवस्था। इननेट डोरमेंसी या जन्मजात सुसुप्त अवस्था। यह आनुवंशिक कारणों के कारण उत्पन्न होती है। यह आनुवंशिक कारणों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे भ्रूण का निर्माण नहीं हुआ, या तो या भ्रूण क्या था? अल्प विकसित था, या फिर वो क्या है? अनफर्टाइल है। सीड की परिभाषा में हमने पहले ही एक चीज पढ़ी थी, वो मैच्योर होना चाहिए और फर्टाइल होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा आंतरिक कारण हुआ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, या तो वो पूरा परिपक्व नहीं हुआ, या ऐसा कुछ नहीं हुआ इस वजह से वो उग नहीं रहा। हमने तो उसको सारी व्यवस्थाएं दे दी, अंकुरण करने वाले जो प्रभावित करने वाले कारक थे ना, वो सारे मैंने उसमें सबमिट कर दिए। भाई तापमान था, नमी थी, ऑक्सीजन था, वो सारा मिल रहा, फिर भी नहीं उग रहा, तो उसका एक रीजन तो ये हो सकता है, जिसको इननेट डोरमेंसी बोलते हैं अपन, ठीक है, जन्मजात, कि उसके शुरू से ही कुछ कमी है बेटा। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो हो सकता है उसका माइंड में पैदा हुआ तब से ही कम है, दिमाग कम चलता है, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा होता है इंड्यूस या प्रेरित। प्रेरित बोलते हैं इसको, प्रेरित सुसुप्त अवस्था। इंड्यूस या प्रेरित सुसुप्त अवस्था। यह सुसुप्त अवस्था अधिक रसायन तथा हार्मोनों के निर्माण के कारण होती है। उसके कुछ बाहर आने के बाद कुछ हार्मोन इनबैलेंस हो गए, कोई केमिकल का ज्यादा निर्माण हो गया, एबीए की अधिकता हो गई, या फिर अचानक से वातावरण में कुछ बदलाव आ गया,
ठीक है, अचानक से कुछ वातावरण में बदलाव आ गया, या फिर हार्मोन्स, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं रसायन, ये इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तीसरी होते हैं इनफोर्स, किस कौन सी होती है इनफोर्स, जिसको बोलते हैं बलकृत सुसुप्ता अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा, बलकृत सुसुप्ता अवस्था। ये किसके कारण पैदा होती है, बीज जैसे अधिक गहराई में दब गया या खरपतवार ज्यादा हो गई, ऐसी ऐसी, ठीक है, यह बाहरी कारकों के कारण, बलकृत मतलब फोर्सफुली, या तो अधिक गहराई में दब जाने के कारण, अधिक गहराई। ज्यादा डीपली इसलिए नहीं पढ़ेंगे अपन क्योंकि एक लेक्चर में जितना ज्यादा कवर कर सकते हैं ऊपरी ऊपरी आपको पूछता है, ठीक है, अधिक गहराई में। अब एक जई का नाम सुना आपने, क्या नाम है उसका, बॉटलिकल नेम क्या है, अरे यार एविना फतुआ, जंगली जई, नाम सुना है क्या। इस जंगली जई में एक ऐसी है जिसमें तीनों प्रकार की सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है, जंगली जई में तीनों प्रकार की, लिख लो नोट लगा के, जंगली जई एविना फतुआ, इसमें तीनों प्रकार की सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। अब भाई अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा या कोई बीज है जिसको मैं सारी चीज दे रहा हूं उग नहीं रहा तो मैं उसको फेंक दूंगा, कोशिश ये करेंगे उसको सुधारेंगे अपन। कोशिश क्या करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे बेटा, तो कोशिश सुधारने की करेंगे, उसमें अपन पढ़ते हैं सुसुप्ता अवस्था को तोड़ना, डोरमेंसी ब्रेकिंग। सुसुप्ता अवस्था को तोड़ना, डोरमेंसी ब्रेकिंग। पहला अपन पहले पहले नंबर पे आता है अपना खुरचकर, क्या आता है खुरचकर या स्केरिफिकेशन, खुरचकर या स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन, अब एक चीज समझना अपन, ये क्या स्क्रेच, खुरचना या स्क्रेच। अपन गाड़ी लाते नहीं या बाहर खड़ी कर देते, कोई उद्यमी बच्चा रहता है तो कंकड़ पत्थर रगड़ जाता है उसके, स्क्रेच कर जाता है, लकीर मार जाता है, उसमें क्या होता है उसका ऊपर का जो कवर है ना या रंग है वो उतर जाता है, ठीक है। स्केरिफिकेशन, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, कोई बीज जिसको सारा फेवरेबल एनवायरमेंट मिल रहा है फिर भी वो उग नहीं रहा तो उसका इलाज करेंगे, तो उसमें पहली अपन ने पढ़ी थी अनुवांशिक, हो सकता है उसमें उसका सीड कोट कठोर हो गया, वो बाहर का सीड कोट मैंने पढ़ाया था शुरू में, एक चीज बताई थी मैंने पार्ट ऑफ सीड, तीन चीज बताए थे एम्ब्रियो एम्ब्रोन और सीड कोट। एम्ब्रियो किस काम में आ रहा था, उगने के काम में, ठीक है, रूट शूट विकसित कर रहा था, दो उसके भाग थे, ठीक है, रेडिकल और प्यूमिकल, ठीक है, दो भाग थे वो उगने के लिए यूज हो रहा था। फिर एंडोस्पर्म था, वो क्या कर रहा था, 3N था जो उसको एम्ब्रियो को क्या कर रहा था, न्यूट्रिएंट्स दे रहा था, पोषण दे रहा था उसको, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कौन था आपका, मैंने यही तो था, खुरचकर तोड़ते हैं ऊपर का सीड कोट, ठीक है, जिसको बीज चोल कह रहे थे, ठीक है। तो खुरचना मतलब स्केरिफिकेशन, स्क्रेच कर देना उसके, जैसे ये है अब इस लकड़ी को किसी ने खुरच दिया, स्क्रेच हो गया मतलब बाहरी परत तो इसकी टूट गई। तो पहला लिखो इसमें सुसुप्ता अवस्था तोड़ना, पहला लिखना स्केरिफिकेशन या खुरचना। इस विधि में कठोर बीज आवरण को खुरचा जाता है, मुख्यतः दलहनी फसलों में ये किया जाता है। अब एक तो होता है इसको कि रेजमाल से खुरच दिया या किसी खुरदरी सतह से रगड़ दिया, एक होता है केमिकल के द्वारा भी, उसका जो कठोर जो सीड आवरण है ना, बीज आवरण सीड कवर, उसको कमजोर कर दिया जाता है ताकि उसके संपर्क में ह्यूमिडिटी आए, उसको कुछ ताप लगे, कुछ नमी आए, कुछ ऑक्सीजन आए, तो क्या पता वो उग जाए। और अपन पढ़ ही रहे कि वो उग नहीं रहा था, सारी चीजें मिल रही थी, डोरमेंसी ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे खुरचकर, ठीक है बेटा, खुरचकर। दूसरा लिख लिया, ये मुख्यतः दलहनी फसलों में यूज किया जाता है, इस विधि में बीजों के कठोर आवरण को खुरचा जाता है, समझ में आया, आगे देखते हैं। अब इसमें एक तो हो गया हाथ के द्वारा या फिजिकल, दूसरा लिखो केमिकल द्वारा, दूसरा उपाय क्या है तोड़ना, केमिकल्स के द्वारा, रसायनों के द्वारा, रसायनों के द्वारा बीज की सुसुप्त अवस्था तोड़ना बेटा। इसमें लिखो थायो यूरिया 1%, मुख्यतः आलू में यूज किया जाता है थायो यूरिया, थायो यूरिया 1%, थायो यूरिया 1% बेटा। जिप्रेलिक एसिड GA3,
ये भी सुसुप्त अवस्था तोड़ने के काम में आता है। ठीक है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। इसके अलावा पोटेशियम परगमिनेट, के एन ओ थ्री। अब जो KNO3 है ना, इसके स्टार लगा देना, सबसे स्ट्रॉन्ग डोरमेंसी ब्रेकर है ये, सबसे प्रबल या सबसे तेज, सबसे जल्दी सुसुप्त अवस्था या डोरमेंसी को तोड़ने वाला कौन है? KNO3 है बेटा। कौन है? KNO3 है। इसका उपयोग बीजों की तुरंत सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए किया जाता है। दो चीज हमने पढ़ ली, पहला स्केरिफिकेशन, दूसरा केमिकल्स के द्वारा। हाँ, जैसे मोटे बीज जो है ना, जिनके ऊपर सीड कोट पाया जाता है, ठीक है, दालों के, जैसे कोई बीज उग नहीं रहा पूरी चीजें देने के बाद भी, तो या तो रेजमाल या ऐसी कोई खुरदरी सतह है ना, उस पे हल्का सा उसको रगड़ देंगे बीज को, जिससे, हाँ, बोने से पहले। अपन ये बात क्या कर रहे हैं भाई, बोएंगे तभी तो वो खेत, ये सीड है, ये मृदा के अंदर गया, सपोज कर यही सीड है, ठीक है। अब इसको जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए थी, नमी, वो मिल गई, इसको जितना टेम्परेचर चाहिए था सोइल के अंदर, वो मिल गया, इसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी वो मिल गई, पर ये उग नहीं रहा। तो इसका सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि यार इसके ऊपर जो कवर है, इसकी वजह से वो कहीं कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा हो। तो अपन क्या करूंगा, मैं इसको निकालूंगा, हल्का सा घिस दूंगा और वापिस लगाऊंगा, तो उससे क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि जो नमी है, जो टेम्परेचर, वो इसके संपर्क में आए और उसका जो एम्ब्रियो है वो एक्टिव हो जाए और ये उग जाए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी क्या करूंगा, नहीं उग रहा है तो फिर उसमें थायो यूरिया से उपचारित करूंगा, या जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन या KNO3 से करूंगा। KNO3 सबसे प्रबल है। फिर तीसरा उपाय देखो बेटा, लिखो तीसरा, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, स्केरी और स्ट्रेटी में अंतर है। स्केरी में तो स्क्रेच याद रहेगा, स्ट्रेटिफिकेशन में करते हैं तापमान के द्वारा बेटा, तापमान के द्वारा। अब तापमान के द्वारा दो रूप से कर सकते हैं ना, कैसे कैसे बताओ, ठंडा और गर्म, बाय हॉट, बाय एक तो हॉट और एक कोल्ड। लिखो स्ट्रेटिफिकेशन, तापमान से उपचारित करके। अब जैसे इसी में अगर मैं और बताऊं, इसी में तो एक आता अपना सोलर ट्रीटमेंट, धूप में रख देंगे बीजों को, ठीक है, सोलर ट्रीटमेंट, जिसकी खोज किसने की थी, लूथरा ने, सोलर उपचार। मैं यहां पे लिखता हूं सोलर उपचार, सोलर उपचार, जिसकी खोज किसने की थी, लूथरा ने। लूथरा नामक वैज्ञानिक था जिसने इसके बारे में बताया, क्या जो बीज नहीं उग रहा है ना, उसको क्या करो, धूप में रख दो, जिससे क्या होगा, नॉर्मल जो टेम्परेचर है ना, उससे 8 से 10 गुना उस सीड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो मे बी पॉसिबिलिटी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मोस्ट इफेक्टिव ऑन जर्मिनेशन। अंकुरण को महत्वपूर्ण जो कारक थे ना, दो यही थे, एक तो धूप में रख सकते हैं अपन उसको, दूसरा है इसके अंदर हॉट वाटर, ठीक है, गर्म पानी में उसको डाल दिया। हॉट वाटर जो था वो किसने दिया था, जेनसन ने, सोलर हो गया ये तो, ठीक है, और एक था हॉट वाटर, हॉट वाटर ये किसने दिया था, जेनसन ने। इसको कैसे याद रखना है अपने को, जेनसन मतलब जींस पहनते हैं तो क्या हॉट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, हॉट का मतलब है ना अच्छे लगते हैं, और धूप में लूथरा, लूथर ऐसे याद रखना आप, है ना, धूप में जाओगे तो लूथर हो जाओगे आप लाल, और जेंस जींस पहनोगे तो बहुत हॉट लगे, हॉट वाटर जेनसन ने दिया था, याद रहेगा ना बेटा, ये पूछ लेता है कई बार। गर्म जल उपचार विधि, खोजकर्ता जेनसन, इस विधि में बीजों को 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 से 10 मिनट के लिए पानी में रखा जाता है, जिसका उनका कवर जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और पॉसिबिलिटी रहती है कि उग जाए। मुख्यतः किसके लिए यूज किया जाता है, गन्ने का जो लाल सड़न रोग है, गन्ने में रेड रॉट पड़ा है ना, लाल सड़न किससे होता है, कौन से कवक से, कोलेटोटाइकम फाल्गेटम, ठीक है, लाल सड़न। आगे लिखो, सुसुप्त अवस्था हमने पढ़ ली, ठीक है, अब एक दो मुख्य पॉइंट में लिखवा रहा हूं, वो लिख लो, फिर हम इनको रिवाइज भी करेंगे। लिखो NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, 7 मार्च 1963। लिखो 1963, दूसरा लिखो सीड एक्ट, बीज अधिनियम 1966, सीड एक्ट
1966, उसके बाद में लिखो सीड रूल, लिखो बेटा सीड रूल, 1968 में बना था और 1969 में लागू हुआ था, ठीक है। एक एगमार्क प्रयोगशाला का नाम सुना आपने, एगमार्क प्रयोगशाला जो सबसे पहले नागपुर में स्थापित की गई थी 1937, एगमार्क लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत ज्यादा बार, एगमार्क प्रयोगशाला। लिखो एगमार्क प्रयोगशाला। नागपुर महाराष्ट्र, 1937। डोकेज बताई दिया, फिजिकल इंप्योरिटीज जो होती है, सीड और ग्रेन में अंतर देख ही लिया हमने, सीड के बारे में डेफिनेशन वगैरह देख ही ली, ठीक है। 1969 में लागू हुआ था, ठीक है। जो कंफ्यूजन की चीजें है ना वो आजकल आती नहीं है। अब लास्ट बच रहा है अपना टाइप्स ऑफ सीड, ठीक है, बीजों के प्रकार जो है ना वो वाला, जो सबसे पहले पढ़ाते हैं लोग वो अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। मेनली पांच प्रकार के होते हैं, अपन कितने प्रकार के पढ़ते हैं, चार। सबसे पहले होता है नाभिकीय बीज, 1963। क्या हुआ, दो है हमारा राजस्थान वाला जो अपना है, 7 मार्च 1963, मार्च में डेट मत लिखो आप, मार्च 1963 लिख लो, ऐसा करो मार्च 1963 लिख लो आप, NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम 1963, क्योंकि एक राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है ना वो मार्च 1978 हमारा है ना। राष्ट्रीय बीज नीति लिख लिया क्या, 2002, ये लिख लो एक मार्क वाला 1937, ये मुख्य मुख्य है ना। हाँ अब आगे लिखो 2002 राष्ट्रीय बीज नीति, सीड पॉलिसी। सीड पॉलिसी कब लागू हुई थी, 2002 में। अभी अपन पढ़ रहे बीजों को, सबसे पहला होता है नाभिकीय बीज या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सीड, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद में होता है प्रजनक, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रीडर सीड, क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीडर सीड, ठीक है। उसके बाद में होता है आधार बीज, मदर सीड, आधार बीज या मदर सीड जिसको बोलते हैं, जिसको फंडामेंटल सीड भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक हो, ऐसे कैसे लिखना, फिर मैं इनको समझाऊंगा ना तो आपको आसानी रहेगी। फिर आता है प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड, सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज। दो और रहते हैं आपके, पंजीकरण और सत्यापित बीज, जो कि अपने यूज होते नहीं है, ठीक है, पंजीकृत और सत्यापित बीज जो अपने यूज होते नहीं है, ठीक है। अब इसमें समझना, जो नाभिकीय बीज होता है, न्यूक्लियस सीड होता है, इसमें बफ कलर का टैग होता है, ये पूछा नहीं जाता, और ये किसके बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे कोई नई वैरायटी बनती है ना तो उसका सबसे पहले, या बहुत जो ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं उनके पास होता है बहुत कम मात्रा में, खेतों में उगाने के लिए नहीं आता है। फिर इसके बाद में इसमें डुप्लीकेशन किया जाता है, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में बीज जो बनाया जाता है वो बीज बनाया जाता है प्रजनक बीज, जिसपे किस कलर का टैग होता है बेटा, सुनहरा पीला, गोल्डन येलो, किस कलर का, सुनहरा पीला, सुनहरा पीले रंग का टैग होता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताऊंगा, पहले समझ लो, सुनहरा पीले रंग का टैग होता है इस पे, ठीक है। उसके बाद में इससे बनाया जाता है आधार बीज, आधार सफेदार, ऐसे याद रखना, सफेदार मतलब आधार बीज पे कौन सा टैग पाया जाएगा, सफेद कलर का, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, मदर सीड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक मिनट, मदर सीड,
आधार बीज, ठीक है, मदर सीड भी इसको कहते हैं, फंडामेंटल सीड भी कहते हैं। कौन सा टैग रहेगा? सफेद कलर का बेटा। उसके बाद में इससे बनता है कौन सा? प्रमाणित बीज। कौन सा बनता है? प्रमाणित बीज, जिसपे कौन सा टैग रहता है? नीला। किसान को कौन सा दिया जाता है? नीला। ये किसान को दिया जाता है। अपन जो बीज लाते हैं ना, उस पे देखना उसके बैगिंग जो होती है उस पे टैग लगा होता है या मार्क लगा होता है नीले कलर का। हाँ, नीले कलर का। अब जब अपन एमएससी करते हैं, ज्यादा डीपली पढ़ते हैं ना, तब ये भी पूछते हैं कि वो जो टैग लगा होता है नीला कलर, उसका साइज क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है 2-3 बार, आपके नहीं पूछा था इतना। ठीक है, नीला कलर का टैग होता है जो किसान को दिया जाता है और अपने फील्ड पे उगाया जाता है, खेत, किसान के खेत में उगाया जाने वाला, उगाया जाने वाला बीज। ये जो आधार बीज जो होता है बेटा, वो कहाँ पे उगाया जाता है? जो अपने एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन हैं, केवीकेस जो हैं, ठीक है, वहां पे उगाया जाता है। अपने को नहीं दिया जाता, ये देख रेख में उगाया जाता है, फिर इससे तैयार किया जाता है। दो जो मैंने बताया वो अपने यूज के है नहीं, ठीक है। क्या हुआ? जो आधार बीज है ना, वो किसान के खेत पे नहीं उगाया जाता, अपने को नहीं दिया जाता उसको, ठीक है। उसको इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं ना, नजर में, उसमें उगाया जाता है, ठीक है, उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहां पे उगाया जाता है, इसे तैयार करके। फिर जैसे ये देखो, ये बीज बने, जैसे कोई नई वैरायटी बनाई, ये बीज बने 10, इन 10 से प्रजनक बीज जो सुनहरे पीले रंग के थे वो बन गए 100, इन 100 बीज से ये बनेंगे 1000, और इन 1000 से फिर बन जाएंगे 1,00,000 बीज। जो 1,00,000 बीज अपने पास आएंगे, उनसे फिर अपन बहुत सारी खेती कर देंगे, ठीक है। एक बोरी बीज गेहूं की बोई, 10 बोरी हुई अपनी, ठीक है, फिर उसको अपन यूज करते हैं। और जो एक बोरी अपन लेके आए थे वो कौन सा था? नीले कलर का टैग वाला। और जो बहुत सारा हमने उगा दिया, इस पे कोई टैग नहीं, इसको मैं दाना कह सकता हूँ, दाना कह सकता हूँ ना, पर जो यहाँ तक था नीले कलर का, अब नीला कलर का टैग क्या प्रदर्शित करता है भाई? शुरू में हमने पढ़ा था क्या? सीड और ग्रेन में अंतर, क्या क्या मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसमें होने चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता 99%, भौतिक शुद्धता 98%, रियल वैल्यू 75%, ठीक है, अंकुरण प्रतिशतता अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है, जर्मिनेशन परसेंटेज, और उसके अलावा क्या पढ़ा? नमी की मात्रा कितनी? 10, खाद्यान्न में 2 थी, 11 से 12, तिलहन में 6 से 8, दलहन में 8 से 10, ठीक है, मूंगफली में 5, धान में 14, गेहूं में 12, ठीक है। तो वो क्या थी? वो सारी अब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई ना, रटने की तो चीजें नहीं है ना, समझने की चीजें। और सबके घर पे आता है बीज, नीला टैग आता है, कभी देखना ध्यान से, है ना, देखा है ना, ये होता है ना, इसमें 100% शुद्धता पाई जाती है, इससे नीचे वाले में भी 100% शुद्धता पाई जाती है, ठीक है, इसमें है ना, इसमें 99 तक पाई जाएगी, इसमें भी 99 तक, 98 तक, ठीक है। पर ये जो दो बीज है ना, ये बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं, अपने को आते नहीं है, बहुत कम मात्रा में आते हैं ये, तो ये बीज का क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है देखो, कंपटीशन एग्जाम में अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आता है, आधार बीज किसकी संतति है? किसकी संतति है? अरे आधार बीज किसका बेटा है? प्रजनक बीज का। अरे प्रजनक बीज का बेटा कौन है? आधार बीज। और सीधा मैं पूछूं, प्रमाणित बीज है किसान को दिया जाने वाले बीज, किसकी संतति है? आधार बीज। फंडामेंटल सीड, मदर सीड, सफेद कलर का, आधार, सबसे आधार यही है। आधार बीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लास्ट स्टेज है ना, जो किसान को मिलेगी वो इसी से तैयार होगी। ये तो अपने काम का है नहीं ना भैया, तो जो केवीके साइंटिस्ट है उनके लिए है, वो तैयार करते हैं, नई चीज इंप्रूव करते हैं, वो करते हैं। हाँ, ठीक है, ये याद रहेगा। प्रमाणित बीज पे नीला कलर का टैग होता है, किसानों को दिया जाता है, और इसमें मिनिमम जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अभी मैं क्या हुआ, वो अपने इंडिया में यूज नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे ना, अपने पंजीकृत, प्रमाणित, सत्यापित, ये लिखाऊंगा तो आप कंफ्यूजन हो गए। ये सीधा सा चार लाइन याद रखना, सबसे पहले न्यूक्लियस, ब्रीडर, मदर और सेटिस्फाई, ठीक है। प्रमाणित बीज आपका नीला टैग रहेगा बेटा, याद रहेगा ना। अब मैं देख लेता हूँ और कुछ अगर आपका सीड में रह रहा है तो, दो चीज के अलावा, एक तो सीड ट्रीटमेंट और एक सीड सोविंग। अब जब बुआई पढ़ेंगे ना, तो बुआई में अपन पढ़ेंगे कि बीज के बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, किस तरीके से छिटक कर बो रहे हैं, हल के द्वारा बो रहे हैं, डिबलर द्वारा बो रहे हैं, हल में कौन सा सीड ड्रिल काम में ले रहे हैं, वो सारी चीज अपन उसमें देखेंगे बेटा। चल रहा है या रुक गया? नहीं नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है बेटा। अब मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, और कुछ छूटा नहीं है, मैं देख लेता हूँ। बाकी एक क्लास और होगी, उसमें अपन सीड सोविंग के जितने भी मेथड्स है ना, सारे मेथड्स अपन पढ़ेंगे, और उसके अलावा सीड ट्रीटमेंट अपन पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। अभी मैंने नॉर्मल चीजें बताई है, क्या क्या सीड क्या है, अभी मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, सारी पीपीटियां अपने पास सेव पड़ी है।
अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं अपन, कुछ भी चीजें हमने छोड़ी नहीं है, बहुत अच्छे से हमने किया है इसको, ठीक है। तब तक इनको देख लो आप, मैं रिवाइज करवाता हूँ, पहले देख लेता हूँ आपका कुछ छूट ना जाए। दो चीज के अलावा, वास्तविक उपयोगिता मान हमने देख लिया, ठीक है, बुआई बाद में देखेंगे। बुआई के अंदर बुआई किसे कहते हैं मेरे को ये बताओ तुम भाई, जब अच्छा बीज हमने ले लिया तो बुआई किसको कहेंगे, उसको एक सेपरेट बिल्कुल उचित गहराई पे और उचित तरीके से उसको लगाएं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन हो, उस क्रिया को अपन बुआई कहते हैं। या मैं कह सकता हूँ धरती के अंदर बीज को छोड़ने की क्रिया बुआई कहलाती है। उसके टाइप्स सारे पड़ेंगे, बुआई करने से पहले बीज को उपचारित करना पड़ेगा, FIR फंजीसाइड कौन कौन से, इंसेक्टिसाइड कौन से, राइजोबियम कौन सा है, हाँ वो सारी चीजें कल पढ़ेंगे अपन कि कौन सा पहले एफ क्यू यूज करते हैं, आई क्यू यूज करते हैं, आर क्यू करते हैं। अब मैं धीरे धीरे रिवाइज करवा लेता हूँ, आप देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ कुछ ऐसे बीज आते हैं जिनमें जरूरत है वो तो होके आते हैं, कुछ को किसान घर पे भी कर लेता है, पर जो तुम खरीदते हो जिस पे टैग लगा हुआ आता है वो हमेशा उपचारित आता है, उसको कभी पिसवाने चक्की पे मत ले जाना, उसमें दवाई मिली हुई आती है, उसको खाया भी मत करो। घर की मूंगफली है अपनी, घर का गेहूं है, उसको अगर अपन लगा रहे हैं तो FIR से अपन उपचारित करते हैं। ये ऑलरेडी जैसे बाजरे का हाइब्रिड बीज देखा है ना आपने, ठीक है, वो जो सारे बीज आते हैं ना उनको कभी देखा है क्या खाते हुए, खाते नहीं है ना, अपन खेत में बुआई करते हैं, ठीक। तो ये जो मैंने एक लाइन बोली थी, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हाँ कौन सा, नहीं नहीं राशन का गेहूं आता है वो, नहीं नहीं वो खाने के लिए ही दिया जाता है, उसको बीज उपचारित करके दोगे तो बच्चे लुढ़क जाएंगे 2 रुपए किलो में, है ना, उसको वो हो जाएगा, वो तो बाद में हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैं जल्दी से देख लेता हूँ आपको, ये बीज के 5 प्रकार बताए मैंने, नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, प्र मतलब पीला, प्र पीला आधार सफेद हार सफेद कलर का, प्रमाणित नीला किसान को दिया जाता है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसके अलावा हमने देखा NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963, ठीक है, राष्ट्रीय बीज नियम 1963, सीड एक्ट 1966, सीड रूल 1968 में बना, 1969 में लागू हुआ, एक बार प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र 1937। इसके बाद पहले हमने देखा क्या, सुसुप्तावस्था तोड़ना, सुसुप्तावस्था के मैंने 4 आपको बताया, पहला था खुरचकर स्केरिफिकेशन, ठीक है, रेजमाल या कठोर सतह से खुरचेंगे जिसका उसका सीड कोट है वो कमजोर हो जाएगा, मे बी पॉसिबिलिटी वो जर्मिनेट हो जाए। दूसरा हमने पढ़ा बाई केमिकल्स में थायो यूरिया 1% आलू के लिए यूज करते हैं, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन और KNO3 जो क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग डोरमेंसी ब्रेकर है, सबसे फास्ट तोड़ने के लिए। फिर आता है स्ट्रेटिफिकेशन या तापमान द्वारा, तो उसमें 2 आते हैं चिलिंग और हॉट, ठीक है। चिलिंग में सबसे पहला आता है हमने धूप में रख दिया जिससे कि 8-10% ज्यादा हो गया, एक हॉट वाटर भी वो कोल्ड भी आता है ठंडा करके भी फ्रीज में, कुछ ऐसे बीज है जिनको ठंडा रख के, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सोलर उपचार, लूथरा ने दिया था, और इसमें पढ़ा हमने हॉट वाटर, जेनसेन ने दिया था, 50-55 डिग्री टेम्परेचर के रख देते हैं 8-10 मिनट के लिए बेटा। उसके बाद में हमने देखा उससे पहले डोरमेंसी, सुसुप्तावस्था किसे कहते हैं, जब बीज को सारी चीजें मिल रही है फिर भी उग नहीं रहा है उसको डोरमेंसी कहेंगे। तो ये क्या क्या कारण हो सकते हैं, हो सकता है इननेट हो, जन्मजात हो, कुछ ऐसी कमी है इसमें जो उग नहीं रहा, हो सकता है इंड्यूस प्रेरित, बाहर से कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंज हुए अचानक, या कुछ ऐसे हार्मोन्स या केमिकल्स वो हो गए, अनबैलेंस हो गए, ठीक है, तो उस वजह से वो हो सकता है इनफोर्स हो गए कि वो ज्यादा गहराई में बुआई कर दिया, इसीलिए तो बुआई पढ़ेंगे भाई कितनी गहराई में करना चाहिए, किस लाइन टू लाइन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, अधिक गहराई। उसके बाद में देखा हमने, और तीनों प्रकार की किसमें पाई जा रही थी, जंगली जई में तीनों प्रकार की डोरमेंसी पाई जाती है बेटा। उसमें देखा बीज के अंकुरण को प्रभावित, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, सबसे महत्वपूर्ण जो था इसमें क्या था, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, क्या थी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी थी बेटा। फिर हमने पढ़ा EPGL और HypoGL, EPGL मतलब ऊपरी भूमि, ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर कब आते हैं, खरीफ वाले, जितने भी खरीफ के सारे एग्जाम्पल है किसको छोड़ के, एक और राजमा, अरहर और राजमा अपवाद है, ये अरहर और राजमा, राजमा इधर आएगा अपवाद में, ठीक है। तो EPGL और HypoGL समझ में आएगा, ई पहले आ रहा मतलब ऊपर, ऊपर आ जाएगा, और ऊपर कब आता है, बरसात के दिनों में हम नहाने छत पे चले जाते हैं ऊपर, ऐसे याद रखना। और ये बीज क्या, छोटा बच्चा ये तो है, जर्मिनेट हो रहा है, तो छोटा सा बच्चा अगर ऊपर आ रहा है मतलब बरसात का दिन है, और छोटे बच्चे को अंदर रह रहा है मतलब सर्दियों में बाहर आ जाएगा, सीधा सा मेरे को ये बताओ, HypoGL मतलब अंदर, ठीक है। तो अब जैसे मटर लगाया या फिर कुछ ये लगाया, धान या गेहूं लगाया सर्दियों में, अब वो इतना सॉफ्ट पौधा था, छोटा सा ही, बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है या ऐसा कुछ एनवायरमेंट नहीं है, वो बाहर आएगा तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए वो अंदर ही तैयार होकर फिर आता है। ये लॉजिक है समझने के लिए, भाई भूलो नहीं आप, है ना। उसके बाद में बेटा हमने पढ़ा क्या, सीड इंडेक्स और सीड वेट। सीड इंडेक्स में हमने क्या पढ़ा, 100 दानों का इंडेक्स या सूचकांक, 100 दाने,
100 दानों का वजन सीड इंडेक्स, 1000 दानों का वजन कैस्ट वेट, ठीक है। इसके बाद में पढ़ा बेटा हमने उत्तम बीज के गुण, उसमें जेनेटिक प्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, आनुवंशिक शुद्धता 98% तक होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता ये 99 या 98, भौतिक शुद्धता का शुद्धता शुद्ध बीजों का भार, नमूने में लिए गए बीजों का भार इंटू 100। फिर देखा जर्मिनेशन परसेंट अच्छा होना चाहिए, अंकुरित बीजों की संख्या और कुल बीजों की संख्या मल्टीप्लाई 100। फिर देखा रियल वैल्यू 75 से कम नहीं होना चाहिए, कैसे निकालेंगे आपकी अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटा 100, ठीक है। उसके बाद में देखा परिपक्वता जीवन सप्ताह, जिसके लिए टीजे टेक्स्ट गोरेस टेक्स्ट ये कर रहे थे अपन, ठीक है, ओज के लिए बाइगर के लिए, कि ये जो बीज है इसके उगने की कितनी क्षमता है, किस लेवल से ये खुद को उगा सकता है, उसको कहते हैं अपन जीवन क्षमता बेटा, है ना। फिर उसके बाद में नमी की मात्रा देखी, जो मैंने बताई 10 से 12 रखते हैं खाद्यान्न में, दलहन में 8 से 10, तिलहन में 6 से 8, गेहूं में 12, धान में 14, मूंगफली में 5। फिर आसानी से मिल जाए नमी की मात्रा, ये सारी चीजें हमने देखी बेटा। उसके अलावा बीज और दाने में अंतर देखा, बीज को सोविंग के लिए यूज करते हैं, इसको खाने के लिए। इसमें आनुवंशिक शुद्धता जरूरी है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। इसमें केमिकल से ट्रीट करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ये सस्ता होता है। इसमें मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाता है, इसमें नहीं रखा जाता। इसमें टैग होता है, इसमें कोई टैग नहीं होता है। ये मनसी सारी चीजें। फिर हमने पढ़ा बीज के प्रकार, मोनोकोट और डाइकोट। जो एक ही दलपत्र में होता है वो क्या कहलाता है, एक ही भाग में होता है मोनोकोट। जो दो भागों में टूट जाए बराबर दो भागों में डाइकोट, ठीक है। बीज के भाग पड़े, बीज में तीन चीज होती है। सबसे पहले कौन होता है, एम्ब्रियो, जो क्या करता है रूट और शूट विकसित करता है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा एंडोस्पर्म, जो क्या करता है इस भ्रूण को पोषण देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, और सीड कोट जो इन दोनों की रक्षा करता है बेटा। और ये पढ़ी हमने क्या, सीड की डेफिनेशन और टोटिपोटेंसी टर्म पढ़ी, कि एक पौधे का जैसे बायोफिल्म है, पत्थर चट्टा है, या इसके अलावा अपन कोई सा भी पौधा लेते हैं जिसमें कलम वलम करते हैं, छोटी सी अपन कली का तोड़ लिए कोई, उससे कर दिए नया पौधा तैयार कर दिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, टोटिपोटेंसी होती है। हेबरलैंड ने दिया था, वो क्यों उगता है, नीम की जैसे पक्षी है, निम्बोली ले गया वहां पे रख दी, ठीक है। बरगद के पेड़ में तेरे को पता नमी कितनी रहती है, उसके नीचे ठंड रहती है ना हमेशा, और बहुत भारी तना होता है तो उसपे कचरा अचरा भी जमा होता है। तो एक जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नमी और टेम्परेचर, तो वहां पे नमी टेम्परेचर मिलता है और उग जाता है वो, राइट, ठीक है। हाँ, ये चीज अपनी सेकंड क्लास कंप्लीट होती है, थर्ड क्लास में क्या देखेंगे बेटा, थर्ड जो क्लास रहेगी अपनी उसमें अपन देखेंगे सोविंग, बुआई और बीज उपचार, बीज उपचार, और अपनी दो क्लास में बहुत सारी चीजें खत्म। फिर इसके बाद में अपनी फोर्थ क्लास रहेगी, उसमें अपन देखेंगे भू परिष्करण या टिलेज, ठीक है। और बीएससी फर्स्ट ईयर वालों सुन लो, हॉर्टिकल्चर वगैरह की कंटिन्यू क्लास हो रही है, देखो उनको शेयर करो, क्योंकि सारा मामला फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सके। आपके कॉलेज के प्रोफेसर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वहां से आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़ने की, पर नहीं आ रहा तो कुछ एटलीस्ट आप लिख के आओ, कॉलेज में घुसे हो 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री में, तो कुछ तो सीखो, आप यहाँ से सीखो, चाहे कॉलेज से सीखो या किसी अदर प्लेटफॉर्म से, सीखना मैटर करता है, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता आप सीख कहाँ से रहो। मैं ये नहीं कह रहा अपने वीडियो से सीखो, पर इतना सिलेबस और ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि मेरे को करना क्या है 4 साल में, फिर कहीं से भी करो, ठीक है। तो वीडियो में कुछ समझ में आया, क्लास में चीजें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, एडवांस नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल बेसिक जो 11वीं 12वीं की चीजें, क्योंकि ये चीजें क्लियर है ना तो बच्चा लिखेगा खुद की स्किल से, कॉपी में मैं नहीं लिख सकता। अब यहाँ ये भी बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बार फोन कैमरा चेक कर लेता हूँ, चल रहा है ना, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन वो भी बता देता हूँ, छोटे क्वेश्चनों में आएंगे तो ये चीजें आ जाएगी नॉर्मल, स्ट्रेटिफिकेशन, स्कारिफिकेशन, एनएससी, एगमार्क, ये चीजें आ जाएगी। नीला कलर का टैग होता है, पीला कलर का टैग होता है, आधार बीज का जनक कौन है, न्यूक्लियस की संतति कौन है, मैं कह सकता हूँ आधार बीज की संतति है प्रमाणित बीज, समझ गए ना। बड़े क्वेश्चन में आएगा उत्तम बीज के गुणों को समझाइए, उत्तम बीज के गुणों को समझाइए, सीड डोरमेंसी को समझाइए, टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी 5 नंबर के में आ सकता है, सीड डोरमेंसी को तोड़ने के उपाय लिखिए, ठीक है, अंकुरण प्रतिशत और भौतिक शुद्धता क्या होती है समझाइए, आनुवंशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता को समझाइए, ठीक है, बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, बीज का संतति के आधार पर क्लासिफिकेशन लिखिए, 5 प्रकार का आपको लिखना है, नाभिकीय, ठीक है, प्रजनक, आधार, प्रमाणित, और 2 जो थे वो अपने यूज हो नहीं रहे थे, इनमें कौन सा टैग होता है क्या है वो सारा लिखना है। फिर आपको पूछ सकता है सीड कोट के आधार पे 2 प्रकार के, मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है,
अंकुरण के आधार पे ईपीजीएल हाइपोजीएल, बस यही है बेटा। अब आज की क्लास क्या हुआ? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण वो प्रश्न तो हर बार रिपीट होता है बीएससी एग्रीकल्चर में, दाने और बीज में अंतर, ग्रेन और सीड के अंदर अंतर। ठीक है, बीच में लाइन देके पांच अंतर मैंने बता दिए, बहुत इजी इजी। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा एक घंटा। थैंक यू सो मच, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और क्लासेस अपडेट होती रही है, चेक करते रहना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।